नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर, अब पब्लिक रेटिंग के आधार पर तय होगा कर्मचारियों का प्रमोशन। जी हां दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निकल के आई है। और अब यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का जो रेटिंग है वो अच्छा नहीं है तो उसे प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो अगले साल से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन में सबसे अहम भूमिका पब्लिक फीडबैक की रहेगी। जिस कर्मचारी और अधिकारी की ग्रेडिंग बेहतर होगी उन्हें ही बेहतर प्रमोशन मिल सकेगा। किसी प्रोडक्ट की तरह इन कर्मचारियों को भी ग्रेडिंग करने का पूरा सिस्टम बनाया गया है और इस दिशा में पिछले दिनों सरकार को एक प्रस्ताव भी मिला था। और सूत्रों के अनुसार पीएमओ के निर्देश पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने इस प्रस्ताव को मान लिया है और 1 अप्रैल 2019 से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सरकारी कामकाज के दौरान आम लोगों का अनुभव किस तरह होता है और वे बाबू और कर्मचारियों को किस तरह की ग्रेडिंग देंगे, इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और आम लोगों की ओर से मिली ग्रेडिंग इन अधिकारियों के प्रमोशन से लेकर वेतन वृद्धि तक तय करेगी। और पीएमओ के निर्देश पर इसका फॉर्मेट भी तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, सेवंथ पे कमीशन ने यह सुझाव दिया था और इसी सुझाव को मानते हुए अब डीओपीटी ने भी ये तैयार कर लिया है कि जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनका फीडबैक अच्छा रहता है तभी उन्हें प्रमोशन मिलेगा और तभी ही उन्हें जो वेतन बढ़ोतरी है या इंक्रीमेंट है वो दिया जाएगा। तो कर्मचारियों और अधिकारियों के रिकॉर्ड में से दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब यह रहेगा कि केंद्र सरकार के दफ्तरों में 5 स्टार या 1 स्टार अधिकारी या कर्मचारी के बारे में लोग पहले ही जान सकेंगे। दरअसल 7th वेतन आयोग ने 7वें वेतन आयोग में उनके कामकाज की समीक्षा को लेकर बेहतर करने के सुझाव दिए गए थे और जिन मंत्रालयों और विभागों का अधिकतर वास्ता सीधे आम लोगों से पड़ता है वहां अब प्रमोशन और बेहतर अप्रेजल के लिए 80% वजन पब्लिक फीडबैक को दिया जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर, यदि अब कर्मचारी और अधिकारी का जो पब्लिक फीडबैक है वो अच्छा नहीं है तो उसे प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं खबर आपको अच्छी लगी होगी और आप अपना जो फीडबैक है वो अच्छा करने के लिए बेहतर काम करेंगे। तो एक बार फिर से, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें जिससे आपके जो दोस्त हैं वो भी इसके बारे में जान सकें। और ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।